नमस्कार सकाल आठटार अपडेट खबर से आपको स्वागत करुँ शक्ति बुलेटिन को ना पूर्व प्रथम आसन रही वर्तमान हेडलाइंस आज उज्ज्वला योजना दुईर शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्ष्य स्वल्प आयकारी परिवार को जमा मुक्त एलपीजी संयोग प्रदान उत्तरप्रदेश महोबारे पीएम का वर्चुअल लंच हिताधिकारी आलोचना देशवासी को करेंगे संबोधन को फेरिले ओलंपिक्स पदक विजेता विमान बंदर में भव्य स्वागत पर दिल्ली अशोका होटेल खेला सम्मान समारोह आयोजित भविष्य में अधिक पदक आशा बांधिले खेला भारत में ऐतिहासिक दिन विश्व दरबार में मोदी लिखिले नुआ भारत नुआ इतिहास देशर प्रथम प्रधानमंत्री भाव मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद कले अध्यक्षता विश्व को देले पांच सूत्री मंत्र दर्शन देवे नड़िया राणी मां तारिणी घटगां मंदिर प्रशासन पक्ष व्यापक प्रस्तुति कोरोना कटकणा मानी मां को दर्शन करेंगे भक्त पूजा सामग्री सह वयस्क छोट पा मंदिर मना मनरेगा महादुर्नीतिर महाखुलासा जॉब कार्ड पाई काम करुछंती पूंजीपति श्रमिक जालियाती करी उठाई लक्ष लक्ष टंका प्रॉपर्टी रे अछि राइस मिल बाइक शोरूम पेट्रोल पंप प्रश्न अच्छी जिला प्रशासन पाखरे यार जवाब पंदरजाए राज्य में काम भा वर्षा आसंता तीन दिन राज्य में कालबैशाखी संभावना पंदर जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग आज राज्य किसी जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा अनुमान प्रथम जनजाति गांव में संपूर्ण टीकाकरण केन्दुझर सरिया गांव में ज्वांग सृष्टि कले उदाहरण शत प्रतिशत टीका ने 94 घर 203 लोक देश को देले सचेतनतार वार्ता नयगढ़ बर्षियान कलाकार शिवराम का अभिनय जादू आखि पिछुला के बदलाउछंती बेश कंठरु बाहर 50 प्रकार स्वर ओडिया बंगला तेलुगु सह अनेक भाषा निखुण लुप्त प्राय कलार शेष शिल्पी शिवराम आज उज्ज्वला योजना दुईर शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरप्रदेश महोबारे प्रधानमंत्री वर्चुअल लंच करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम आयोजित होगा यह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिताधिकारी आलोचना करेंगे और देश उद्देश्य संबोधन करेंगे उज्ज्वला योजनार प्रथम पर्यायर अंतर्भुक्त हो पार स्वल्प आयकारी परिवार को जमामुक्त एलपीजी संयोग प्रदान करने को एथर लक्ष्य रखाई 2016 मसीहार आरंभ होता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे बीपीएल श्रेणी 5 कोटी महिला एलपीजी संयोग देवाई लक्ष्य धार्य कर 2018 योजनार विस्तार कर एससी एसटी पीएमएवाई एएवाई पछुआ श्रेणी बनारसी दीपपुंज नाँ विभक्त कर 8 कोटी एलपीजी संयोग प्रदान कर चलित आर्थिक वर्ष पर केन्द्र बजेट्रे उज्ज्वला योजना अधीन 1 कोटी अतिरिक्त एलपीजी संयोग व्यवस्था घोषणा कर आज उज्ज्वला योजना दुईर प्रधानमंत्री भर्चुआल लंच करता बेले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रमुख उपस्थित रहिबे एने उत्तर प्रदेश प्रशासन पक्षर व्यापक आयोजन कर देश को फेरी ओलंपिक्स पदक विजेता दिल्ली विमान बंदर में पदक विजेता भव्य स्वागत करा कर पदक विजेता नीरज चोपड़ा रवि दहिया बजरंग पुनिया लवलीना देश को फेरी पदक विजेता खेला देश को फेरी आसी जोरदार स्वागत पर खेला दिल्ली स्थित अशोका होटेल सम्मानित कार्यक्रम में केन्द्र क्रीड़ा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर केन्द्रमंत्री किरण रिजिजू प्रमुख उपस्थित रही खेला सम्मानित कर ये शाम ओलंपियंस के नाम है जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है एक बार करतल ध्वनि के साथ हमारे सारे ओलंपियंस का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया जाए और जिस तरह से तिरंगे का मान सम्मान टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स बढ़ा रहे थे और आप यहां पर भारत मां की जय कर रहे थे एक बार जय घोष मैं लगाऊंगा आप सब लोग साथ में कहेंगे भारत माता की डिग्निटीज ऑन द डाइस ओलंपियंस फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया
लेट मी फर्स्ट कंग्रेचुलेट आवर ओलंपियंस आवर मेडलिस्ट ऑन बिहाफ ऑफ 135 करोड़ इंडियंस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड वेलकम बैक होम वी आर सो प्राउड ऑफ यू सो प्राउड ऑफ यू। भारत पाई ऐतिहासिक दिन विश्व दरबार में मोदी लेखिले नुआ भारतर नुआ इतिहास जननायक विश्वनायक हेले मोदी मोदी कहुथुले आ शुणुला सारा विश्व देशर प्रथम प्रधानमंत्री भाव मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद अध्यक्षता करी नुआ इतिहास रचिंट प्रधानमंत्री मोदी अवसर में समुद्र रास्ता को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाइफलाइन कहते प्रधानमंत्री एथस समुद्र सुरक्षापी विश्व आगे पांचटी सूत्र रखिं मोदी भारत पाई ऐतिहासिक दिन विश्व दरबार में मोदी लेखिले नुआ भारतर नुआ इतिहास जननायक विश्वनायक हेले मोदी देशर प्रथम प्रधानमंत्री भाव मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषदर अध्यक्षता कले मोदी नुआ भारत विश्वर नेब नेतृत्व लेखागला नुआ इतिहास विश्वर सबुठार शक्तिशाली परिषद जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे समुद्र सुरक्षा उपरे आयोजित ओपन डिबेट को भर्चुअल माध्यम रे अध्यक्षता करिसंती प्रधानमंत्री मोदी एपरि करिबारे भारतर प्रथम प्रधानमंत्री होइसंती मोदी विश्व दरबार रे समुद्रर सुरक्षा पई पांच सूत्र देइसंती मोदी आईन सम्मत व्यवसाय रे थिबा प्रतिबंध को हटाइबा समुद्र बिवादर समाधान शांतिपूर्ण एवं अंतरराष्ट्रीय नियमर आधार रे हेबा दरकार सामुद्रिक विपद सह मिलिमिशि लड़ा दरकार सामुद्रिक परिवेश को सुरक्षित एवं संरक्षित कर रखा दरकार यहसह दायित्वपूर्ण समुद्र संपर्क प्रोत्साहन करने गुरुत्व देखती प्रधानमंत्री एक्सलेंसीज इस मंथन को स्ट्रक्चर देने के लिए मैं आपके समक्ष पांच मूलभूत सिद्धांत रखना चाहूंगा। पहला सिद्धांत, हमें मैरिटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। हम सभी की समृद्धि मैरिटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है। दूसरा सिद्धांत, मैरिटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरिटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। चौथा सिद्धांत, हमें मैरिटाइम एनवायरनमेंट और मैरिटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। परिषद को संबोधित करी मोदी कहिसंती आज आतंकी घटना एवं समुद्र लूट पाई समुद्र रास्तार व्यवहार होची सामुद्रिक व्यवसाय को बढ़ावा पाई भित्तिभूमि गुड़ी को बढ़ावा जरूरी बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। सिंधु सभ्यता समय महासागर गुड़िक भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर 2015 रे समुद्र रे शांति एवं समृद्धर प्रवर्तक भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर रो परिकल्पना विश्व आगे रखिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर जारी रहबे बुलेटिन ने समय छि गोटे छोटो विरति रो। धाराश्रावणरे राज्यरे प्रबल खरा और गुळगुळी अनुभूत होउछि। का भा केउठि केमिति वर्षा होउछि किंतु सारा राज्यरो एबे मौसुमी ढेर दिन हला विरति नैछि। असंता 15 जाय राज्यरे ए स्थिति जारी रहिबे बोली अनुमान करा जाउछि। अनेबटा असंता 24 घंटा मध्यरे राज्यरे 15 रु अधिक जिल्लारे कालबैसाखी संभावना रहिछि। 15 जिल्लाकु पाणिपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगढ़, कंधमाल, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज,
देवगढ़ अनुगुण ढेंकरल और बौद्ध आदि रही सब जिला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कर आज राज्य किसी जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा अनुमान कर आसंता 24 घंटा मध्य भुवनेश्वर समेत यार आखपाख अंचल आकाश आंशिक मेघुआ रहा सहित अपराह वर्षा होवार संभावना अच्छी। संपर्क में अधिक सूचना सहित फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि कविता स्वाई। कविता, मौसुमी जो भाई भाव में विरती नहीं राज्य वर्षा गायब हो जाए काला बैशाखी उपर वर्तमान भरसा करने को पड़ी तो पाणीपाग विभाग कौन रही सूचना केवे पुणी मौसुमी फेर एवं स्वाभाविक हे राज्य वर्षा निहतर सत्य जी गोटे कथा कह कि वर्तमान राज्य दुर्बल मौसुमी एवं गां भां क्योंकि केमी वर्षा एवं आज काल बैशाखी जनित 15 जिला को वार्निंग दी येलो वार्निंग जारी करोटे कथा जी कह राज्य बारंबार लघुचाप आसुले सत्वे निंटिया वर्षार परिमाण अधिक रही कहीं आज पर्यंत वर्तमान सुधा राज्य 484.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जी किंतु जहां वर्तमान 28% ठीक कम वर्षा होती 20 जिले में नियंत्रित वर्षा होता बेले 10 जिले में वर्तमान पर्यंत स्वाभाविक वर्षा होती आउ 4 जिले में वर्तमान 40% कम वर्षा रेकर्ड करी कह सब जिला गुड़िक है जाजपुर भद्रक गजपति बलांगीर से सब जिले में मरुड़ी संभावना होई पारे बोली आशंका करा जाउछि जहाँ कही पारे आमे कहीं जो जून 1 रु आज पर्यंत 677.7 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हवा कथा किंतु वर्तमान सुधा 484.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जी जाकि स्वाभाविक ठारु 28% कम वर्षा होउछि जो कि मरुडीर संभावना रही आमको एबे काल बैशाखी वर्षा उपर निर्भर करबा पड़ुछि। धन्यवाद सूचना पाए जो भाई भाव में प्रतिनिधि सूचना दूसरे जे काला बैशाखी भरसा करने को पड़ी वर्तमान एवं मौसुमी गायब हो जाए गोटे प्रकार जहाँ को लेकिन अधिकांश जिले में जदि ये स्थिति आग को जारी रही है मरुड़ी परिस्थिति सृष्टि एवं कृषि कार्य व्यापक भाव में प्रभावित हो तेबे आश्वस्तिर विषय आज 15 जिले में काला बैशाखी वर्षा जो किटा जो वर्षा को लेकिन जो वर्षार अभाव को नहीं जो स्थिति जारी रही किटा पूरण हो पाए किंतु एभली स्थिति आग को जदि लगातार जारी रहे ताहले परिस्थिति आहुरी बिगड़ जीव एवं मरुड़ी निश्चित एक कथा कोड़ाई दिया जाए ना आज खोल केन्दुझर घटगाँ मां तारिणी पीठ एने मंदिर प्रशासन पक्षर व्यापक प्रस्तुति करोना कटका मानि माँ को दर्शन करेंगे भक्त पूजा सामग्री सह वयस्क छोट पा मंदिर प्रवेश को बारण कर केन्दुझर जिले में आज समस्त मंदिर खोलने जिलापाल नूतन एसओपी जारी करते एसओपी पालन सह माँ तारिणी मंदिर खोल जाऊँ समस्त कोविड कटक सरकार नियम मान भक्त मैंने माँ का दर्शन करें मंदिर ट्रस्ट पक्षर कह कोटिया अनुप्रवेश आंध्रर आउ एक षड्यंत्र भाषा भित्तिरे लोकों को भाग भाग करने को योजना आंध्र सरकार अगस्ट 15 तारीख में विवादीय कोटिया 22 गाँव में तेलुगु भाषा रे फलक लगाइबापाई विजयनगर जिलापाल द्वारा प्रयास चली भितर एथिपाई आंध्रर किसी राजनैतिक व्यक्ति कोटिया बैठक कर फेरी केतेबेले निर्वाचन तो आतेबले प्रलोभन देखा विभिन्न उपाय कोटिया ग्रामपुंज को अख्तियार करने को योजना कर आंध्र विवादीय कोटिया ग्रामपुंज हाथेबा को भाषा भित्तिरे लोकों को कोटिया रे भाग भाग करने को रणनीति प्रस्तुत करी सूचना अनुसार आंध्रर किसी अधिकारी कोटिया रे तेलुगु भाषाभाषी लोकों को प्रवर्ताऊंती एथसहित कोटिया रे तेलुगु भाषार प्रचार प्रसार पाई सेठार विभिन्न फलक लगाइबा को योजना होता अभियोग होई एबे इंटरनेट जरिया रे मनोरंजन रो जुग किंतु नयागढ़ जड़े वर्षियान कलाकार मुहरे रंगमाखी आ विभिन्न बेश पोशाक निजक सजाई एकक अभिनय जादुरे दर्शकों को बांधि रखुंट 50 प्रकार स्वरर विभिन्न चरित्र भिन्न भिन्न भाषा रे तांका अभिनय राज्यर एही लुप्त प्राय कला को उज्जीवित कर रखी
अरे बाकाटा उत्पाद ताको धमके देली डाले देली पलेगला ए कोरोना 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 आसी सब बेले मास्क पिंधिब सानिटाइजर हाथ मारिब गोरा गोरा मखुरा तो काला काला चश्मा गोरा गोरा मखुरा आखि पिठुला के बदलाई देउछंती बेस भली के भली स्वर रे चमत्कार ढंग रे अभिनय करुछंती एही बर्सियान अभिनेता एपरा कटक जीवी जस्ट गाड़ी आसीबो आ बेले हेने लाइन क्लियर दले गाड़ी आसीबो खंडे रिक्शा डके देले उड़िया तेलुगु समेत आउ केतक भाषा रे से करि परंती निखुण अभिनय देखलो ए मकरे आगे 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 मोटे रिक्शा वाला डाकी देउछी मुहरे हाथ और पापुलीर व्यवहार कर से उभय पुरुष और नारी कंठस्वर सृष्टि कर कंठरू बाहर कर पारंती महाबल बाघर हेंटाळ ट्रेन रो शब्द आउ भिन्न भिन्न पात्रोपयोगी संलाप बाबू बाबू इटी आपने के उधर उधर इधर इसका केबे पौराणिक चरित्र तो केबे सामाजिक प्रसंग रे निखुण अभिनय को ने चारियाडे चर्चित ए अभिनेता जनक हेउछंती नयागढ़ जिला ओडका ब्लॉक रावेरा गांर सीताराम चौधरी इनडे माजी ना भाई इनडे इनडे माजी ना भाई इनडे किंजी न दे जब डाई दिन दिन थरी बास 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 थरी वर्ष बीती गला सीताराम स्कूल बारंडा माड़ी नहांती कि कौन से संगीत कला विद्यालय रे पढ़ी नहांती किंतु निजर गाँव सुप्रसिद्ध कलानिधि बांचानिधि शतपथी योग्य शिष्य भाव एकक अभिनय रे तांकर 80% कला छड़ाई आनिछंती प्रभु दर्शन पाई ना मु आत्मविश्वास नहीं मु सदा बे जाहु पचारे बृंदावन केते दूर हेई परा बृंदावन पाखै गलाडी संगीत महाविद्यालय गुड़िक एकक अभिनय शिक्षा पाई पाठ्यक्रम रहा दावी कर अनुरागी नन्ना उत्तम छात्र कलार सी प्राय 80% छड़े आनी एकक अभिनय मध्यम से प्राय ओडिशा आउ बंगलार किसी अंश आउ आंध्र प्रदेश किसी अंश पूरा परिक्रमा करंश स्कूल कॉलेज बुली लोक मान प्रशंसा भाजन होती मो नना एकक अभिनय को बचाई रखापी आउे भी तर प्राणपणे चेष्टा कर चलीसह से निजर पर पोषण करते छोटे स्कूल में पाठ पढ़ु सेतुँ आम चिन्हित से एकक अभिनय करते प्रत्येक स्कूल बुली बुले पिला एकक अभिनय प्रदर्शन करते से भितर से मानने जो चेतना जाग्रत करती समाज संस्कार चेतना जाग्रत करती पशुपक्षी स्वर पर विभिन्न नेता अभिनेता स्वर पर कथबार्ता करते विभिन्न भाषा भी बहुत पारदर्शिता अच्छे केबे परदा टंगे घर भितर तो केबे परिवारर नाती नातुनी को मेलरे आउ केबे बुली बुली गांदांडरे निजर अभिनय कला देखाउछंती सीताराम आदिवासी सन्यासी आउ पौराणिक चरित्र रे से एक अनेक भूमिका रे अभिनय कर विगत 55 वर्ष हला जीवित कर रखिछंती एकक अभिनय को ओडिशा समेत आंध्र बिहार पश्चिम बंग रे निजर अभिनय देखाई से परिवार प्रतिपोषण करिछंती रोजगार रे से निजर दुई झीव को बाहदेवा सहित पुओ मान बड़ कर स्कूल जबार सुजोग पाइन सीताराम एकक अभिनय अनेक संगठन सम्मानित होती बांछानिधि शतपथी सहित दुई वर्ष बुली बुली सेवा करी कला को आयत करती सीताराम गीत संलाप और विभिन्न स्वर से एभली अभिनय एवं लुप्तप्राय होगा बसला बेले सीताराम एभली अभिनय शेष शिल्पी मो देखिली जे मो गुरु तो अभिनय करछंती शिखिली आ गाँव रे भी से समस्त पचारे गले तू गुरु कौन छड़ेलु गुरु हाउ ठीक अच्छे हरे बा देख दिन गोटे आम गाँ मंडप गोटे अभिनय करवा तो अभिनयटा देखिए मुझे निजे बांधिली निजे सजेली निजे अभिनय कली आ मो पर भी मो सांगे भी सी मत ए विषय उत्तेजित कर दिखती फेरीगले सब अभिनय सरला गाँव कैसे कते बोले जा भलो कला से कहला एटा टिके हेलानी से कहला नै सेटा हेलानी के कहला नै एटा ये कले भी हेई जीवो 55 वर्ष भितरे ओडिशा ओडिशा बाहर भी अन्य ओडिशा बाहर को बंगला
ବିହାରର କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆନ୍ଧ୍ର, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ରରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ, ସେଟା କାହିଁକି ସବୁ ବୁଲିକିରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ 3 ଥର କଭର କରିସାରିଲେଣି। ବାବୁ ବାବୁ ହିଟି ଆମ ନାଙ୍ଗେ ଉଦାହରଣ୍ଡାଇ ନାୟିକା ଉଦାହରଣ୍ଡାଇ ନାୟିକା। ଏକକ ଅଭିନୟର ଶେଷ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ସୀତାରାମ ଏଭଳି ଅଭିନୟକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏହି କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନପାରେ। ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ତାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଚିନ୍ତାମଣି ହେଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଚିନ୍ତାମଣି ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଜିବା। କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଭୀର କ୍ଷତ ଯୋଗୁଁ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ହାତୀକୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ ଏଯାଏ ହାତୀର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ। ଆହତ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ସେ ତ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆହତ ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ବି ତଡ଼ୁ, ବହୁତ ମାନେ ତଡ଼ାତଡ଼ି ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏତେ ବେଶୀ ହାତ ଆହତ ବି ହେଇନି। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ାକି ମାନେ ଯାଉଛି, ପଥର ପଥର ବି ଚଢ଼ୁଛି, ଏଥିରୁ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ଆଘାତ ହେଇଛି। ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବିଏଫଓ ସାର୍ଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିକି, 2 ଡିଭିଜନ୍ର ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଭିଜନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛୁ, ତାକୁ ଯେମିତି ଅଛି ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିକି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କରୋନା ପରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଡେଙ୍ଗୁ ସମସ୍ୟା। ହେଲେ ସମାଧାନ ବଦଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମହିଷାଖାଲ ବସ୍ତିରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରିଛି ବିଜେପି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବସ୍ତିରେ ବ୍ଲିଚିଂ ଓ ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇ ସଫା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସିଏମ୍ସି। 15 ଓ 17 ୱାର୍ଡରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଓ ପୋଖରୀର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ମଶାଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ମଶାମରା ତେଲ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଉନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକରେ 15 ଏବଂ 17 ୱାର୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପୁଛି ରାଜଧାନୀ ସମେତ କେତେକ ସହରରେ, ତ କଟକରେ ଏ 2 ୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି, ପୋଖରୀର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଏବଂ ଏଇଟା ଡେଙ୍ଗୁର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛି, ତ ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତ କଟକରେ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଥି ଭାଇ, ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ 4 ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡେଙ୍ଗୁର ସିଜିନ୍, କାରଣ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଅନେକ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି ସେଠି ପାଣି ଜମିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ମଶା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଯୋଉ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପଶିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏମ୍ସି କଥା ଦେଖିବା, ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ସେ ଯଦି ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ମଶା ତେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଶା ଧୂଆଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯେମିତି କହୁଥିଲି 15, 17 ୱାର୍ଡରେ, ସେଠି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଜମିଛି ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଯେହେତୁ କଟକରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 8-9 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯଦିବା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି କି ସିଏମ୍ସି ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଯେମିତି ତେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଶା ତେଲ ଏବଂ ମଶା ଧୂଆଁ ଦେବା କଥା, ସେଭଳି ଦିଆଯାଉନି। ଯଦିବା କାହା ଭା କେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଦିଆଯାଉଛି କି ସବୁ ୱାର୍ଡ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସିଏମ୍ସି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କି ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖାଯିବ, ମଶା ତେଲ ପକାଯିବ ଏବଂ ମଶା ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଟକ ସହରରେ କୌଣସି ଦିନ ମଶା ଧୁଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନି। ଯଦି ବା ମଶା ତେଲ ଆଉ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପଡ଼ିଛି କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ମଶା ଧୁଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି କଟକରେ ସିଏମ୍ସିର ଅବହେଳା, ଗୋଟେପଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଫ୍ସି ନେଇକି ବେଖାତିର ନା ମଶା
तेल पका जाउछि ना बसा धुआं छड़ा जाउछि जहाकि डेंगू बढ़िबार आशंका को आहुरी बढ़ाई देछि। समय होइछि बुलेटिन रे, वर्तमान पाई खबर को एठ रखबा। नमस्कार।